नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 में 8 नवंबर को आखिरी लीग मुकाबला भारत और नामीबिया के बीच खेला जाना है, लेकिन इस मैच के अब जैसे कोई मायने ही नहीं है, चाहे भारत जीत जाए या फिर नामीबिया की टीम, क्योंकि टी20 विश्व कप 2021 के सेमीफाइनल पहुंचने वाली 4 टीमों का ऐलान हो चुका है और ये भी तय हो गया है कि कौन सी टीम किस टीम के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भिड़ेगी। इस बारे में आपको हम वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। टी20 विश्व कप का 7वें संस्करण के सेमीफाइनल में पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम ने जगह बनाई है। इस टूर्नामेंट में सुपर 12 के बाद अब सेमीफाइनल मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में सुपर 12 के लिए दो ग्रुप में बटी 6-6 टीमों में से टॉप 2 टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। ग्रुप 1 से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जबकि ग्रुप 2 से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम अंतिम 4 में जगह बनाने में सफलता हासिल करने में कामयाब रही। आईसीसी के नियमों के मुताबिक ग्रुप 1 में टॉप पर रहने वाली टीम ग्रुप 2 के नंबर 2 से भिड़ेगी, जबकि ग्रुप 2 के नंबर 1 की टीम का सामना ग्रुप 2 की नंबर 2 की टीम से होगा। इस तरीके से इंग्लैंड के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती होगी, जबकि पाकिस्तान की टीम को अपने सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है। पहला सेमीफाइनल मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। पहला सेमीफाइनल मैच अबुधाबी के मैदान पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार 10 नवंबर को भारतीय समय के अनुसार शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल मैच दुबई के मैदान पर गुरुवार 11 नवंबर को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी शाम के 7:30 बजे से ही खेला जाएगा। आपको बता दें, सेमीफाइनल मैचों का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। इसके अलावा हॉटस्टार पर भी इसका लाइव स्ट्रीमिंग देखा जा सकता है। आपको बता दें, टी20 विश्व कप 2021 का फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।